हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। दोस्तों, एम्स के द्वारा दो प्रकार के एग्जाम कंडक्ट करवाई जा रही थी, एक तो एमबीबीएस की व दूसरी बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक व पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। इसी प्रकार से जिपमर द्वारा भी दो प्रकार के एग्जाम कंडक्ट करवाई जा रही थी, एक तो एमबीबीएस की व दूसरी बीएससी नर्सिंग, बीएसएलपी व बीएससी अलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्स के लिए। अभी काफ़ी स्टूडेंट को ये डाउट है कि एम्स व जिपमर की एमबीबीएस के अलावा जो बाकी कोर्सेज हैं उनकी एग्जाम भी होगी या नहीं होगी, क्या उनमें भी एडमिशन नीट स्कोर पर ही होगा, क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू, एएमयू व डीयू में भी जो अदर एग्जाम होती थी जैसे बीएससी नर्सिंग इत्यादि की, वो भी होगी या नहीं होगी। तो इस विषय पर हम इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन छूट न जाए। तो दोस्तों, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर द्वारा 4 अक्टूबर 2019 को एम्स व जिपमर के एग्जाम के रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, उसमें क्लियर लिखा है कि कीपिंग इन व्यू द प्रोविजन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस वुड नॉट कंडक्ट एनी यूजी एंट्रेंस एग्जाम 2020 ऑनवर्ड। इसका मतलब साफ है कि 2020 और उसके आगे कोई भी इंस्टीट्यूशन यूजी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगा, यानी जितनी भी यूजी कोर्सेज हैं जैसे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज, बीएससी हेल्थ अलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्सेज, इन सभी में नीट स्कोर से ही एडमिशन होगा, क्योंकि ये सारे यूजी कोर्सेज में आते हैं। इससे यह क्लियर हो जाता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहे वो बीएचयू, एएमयू या डीयू हो, वो भी मेडिकल यूजी कोर्सेज के लिए अलग से यूजी के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएंगे, इनमें भी एडमिशन नीट के थ्रू ही होगा। इस नोटिफिकेशन के सब्जेक्ट में एम्स की एग्जाम का इसलिए लिखा है क्योंकि ये एम्स के लेटर का रिप्लाई है। एम्स ने 12 सितंबर 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर से ये लेटर द्वारा जवाब मांगा था, तो उसका ये रिप्लाई है, इसलिए सब्जेक्ट में ऐसा लिखा है। दोस्तों, अभी इसमें यूजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्लियर हुआ है, लेकिन पीजी एग्जाम यथावत ही है, यानी पहले जैसा ही है। और एम्स व जिपमर द्वारा पीजी जनवरी सेशन 2020 के लिए एग्जाम का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया है। तो वीडियो के अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि इंडिया के सभी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में यूजी कोर्सेज के लिए एडमिशन नीट के थ्रू ही होगा। अगर इसके बारे में कोई अपडेट मिलेगी तो हम आपको अवश्य सूचित करेंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक जय हिंद।